डिफाइन करें तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल displaces a less reactive metal, displaces a less reactive metal metal from its solution. पर्टिकुलरली अच्छा एक बात मैं छोटा सा पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि द वर्ड्स दैट आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड उसकी साइज सही है कि उसको और बड़ा मैं कर दूँ? सर सही है सर। नजर आ रही है ना सबको? यस सर। मेरी ऑडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? ऑडियो इज ओके? यस सर। यस सर। चलिए तो चलो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग किसको बोलते हैं। आर रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करेगा एक कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से। ओके तो आई सपोज सभी को रिएक्टिविटी सीरीज मालूम होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सपोज करो आई हैव टेकन एक सिंपल एग्जांपल, मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों के साथ एंड दिस एग्जांपल सबको मालूम होगा कि यदि मैं कॉपर सल्फेट लेता हूं एक्वस सॉल्यूशन, देखो कॉपर सॉल्यूशन का मैं कॉपर सल्फेट का एक एक्वस सॉल्यूशन लिया और उसमें मैंने एक आयरन का रॉड डाल दिया। रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर ऊपर है कि आयरन ऊपर है? सर आयरन। बोलिए आयरन ऊपर। रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर है तो अ मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो इसको हटा देंगे, ये यहां पे बैठ जाएगा तो बनेगी FeSO4 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा इसका कलर क्या होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ दिस वन? ब्लू कलर होती है। इसकी कलर ब्लू होती है और इसकी कलर क्या होती है? व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन? किसी को नहीं मालूम? ग्रीन। ग्रीन कलर होती है। ओके और तो रिएक्शन का फंडा समझ लो, एक मोर रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया from its solution खुद बैठ गया FeSO4 और copper चली आ। तो this is displacement reaction। वहीं आप यदि इसका reverse कर देते हो, for example ferrous sulfate का मैं aqueous solution लेता हूँ और copper उसमें मैं डाल दिया हूँ, okay? तो क्या reaction होगा? No sir। No reaction, okay? Understood? Very easy. No reaction will take place. Chalo, we will deal with some more example. Zinc plus sulfuric acid. Kya zinc sulfuric acid se hydrogen gas nikal sakta hai? Yes, sir. Nikal sakta hai. Kyon? Kyunki yadi aap reactivity series ko gaur karoge, to zinc hydrogen se upar hai. जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है। जब जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है तो इट्स मोर रिएक्टिव। ओके तो जिंक डिस्प्लेस किया बना जिंक सल्फेट, ओके एंड हाइड्रोजन गैस। अंडरस्टूड? ये आपको ध्यान देना है कि रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है उसमें जो ऊपर मेटल है हाइड्रोजन से जो ऊपर मेटल है वो डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को एसिड से। अंडरस्टूड? ये दिमाग में रखनी है आपको।
द नेक्स्ट रिएक्शन और मैं दिखाता हूँ, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, क्या कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, एनीबडी? यस सर होगा, होगा, जिंक इज अबाउट कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज, सो दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर सॉलिड, ओके अंडरस्टूड? कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, देखो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कलर आपको मालूम होगा कॉपर सल्फेट की एक्वस सॉल्यूशन जो होती है वो ब्लू होती है और ये वाली कलरलेस हो गई, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट इज कलरलेस, ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कोई बताओ यार, या तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करना है बेटा, देखो वेरी सिंपल आप याद कर लो, पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम अल्मोनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर, ओके ऐसे जो हाइड्रोजन कॉपर मर्करी सिल्वर गोल्ड, ओके यू कैन राइट लाइक दिस, गॉट इट? तो देखो सिल्वर क्या है नीचे है तो कॉपर क्या करेगा डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन दिस, तो कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर सॉलिड, अंडरस्टूड? तो ये रिएक्शन होगी और इसकी कलर होती है ब्लू कलर, ये आपको ध्यान नहीं है, ओके गॉट इट? छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं, कैन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बी कैप्ट इन आयरन वेसल, बोलो कैन जिंक सॉल्यूशन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बी कैप्ट इन आयरन वेसल, क्या आप रख सकते हो? नो सर रिएक्शन विल टेक प्लेस, रिएक्शन हो जाएगा पक्का, सोच लो थोड़ा सा, नो सर नहीं होगा, नहीं होगा, आयरन नीचे, आयरन इज नीचे और जिंक ऊपर है, ओके आयरन नीचे है और जिंक ऊपर है, तो एक लेस रिएक्टिव मेटल जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो प्रॉब्लम है, रिएक्शन नहीं होगी तो अच्छी बात है ना, हम तो चाहते ही रिएक्शन ना हो क्योंकि तो स्टोर करना है, तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लो कि आप एक सॉल्ट सॉल्यूशन को देखो ध्यान से, तो नीचे वाले सॉल्ट सॉल्यूशन हैं जैसे सिल्वर का सॉल्ट सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट ले लो, कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन कॉपर नाइट्रेट ले लो, आयरन का आयरन सल्फेट ले लो, यदि इन सबको सेफली रखना है तो आप ऊपर वाले के कंटेनर में रखोगे कि नीचे वाले के कंटेनर में रखोगे, बोलिए नीचे वाले के कंटेनर में रखोगे, यदि कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन है तो शुड बी कैप्ट इन कंटेनर जो मेटल नीचे है, ओके ऊपर वाले में रखोगे तो मेटल डिस्प्लेस कर देगा इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, है कि नहीं, रिएक्शन हो जाएगा, तो ये ध्यान देना, दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको ग्रैब करना है यहां से, ओके इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट टेक अ स्क्रीनशॉट, और कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे पूछ लो स्क्रीन में, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा फिर, ओके लेकिन सर आगे बढ़ो, चलिए यस सर, चलो बेटा
हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यदि नॉन मेटल्स की बात की जाए, नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल में फ्लोरीन होती है जो वो ज्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन के कंपैरिजन में, ब्रोमीन के कंपैरिजन में फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, आयोडीन के कंपैरिजन में ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यदि मैं देखो ये वाली ज्यादा, ये जो ये सब ज्यादा रिएक्टिव है, दिस साइड वाले ज्यादा रिएक्टिव, तो मैं यदि KCl का सॉल्यूशन है, मेरे पास KCl का एक्वस सॉल्यूशन है, तो क्या मैं उससे फ्लोरीन गैस पास करवाऊं तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, आपके सामने एक छोटी सी क्वेश्चन है, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? यस सर, रिएक्शन होगी। क्यों रिएक्शन होगी? क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, दिस इज मोर रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव है तो इससे डिस्प्लेस कर देगा क्लोरीन को, तो Kf प्लस Cl2 गैस आपको मिल जाएगा। ओके देखो 2K2K F2 F2 KCl2 गैस निकाल, तो यदि एक मोर रिएक्टिव वाला एलिमेंट ये तो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, यदि इसके साथ रख दिया जाए तो रिएक्शन होगी। अंडरस्टूड? सिमिलरली यदि आप KCl, ध्यान से देखो, KCl का एक्वस सॉल्यूशन में यदि आप Br2 डालते हो तो क्या रिएक्शन होगा? नो सर। क्या रिएक्शन होगा? नो सर, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि Br2 लेस रिएक्टिव होगी कंपेयर टू इसके सॉल्यूशन, तो ये ज्यादा पावरफुल है ना, तो ज्यादा पावरफुल से लेस पावरफुल कैसे निकाल सकती हूं? नो रिएक्शन। क्या पोटासियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन से क्लोरीन गैस पास करवाया जाए तो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? यस सर, होगी। होगी, क्लोरीन इज मोर पावरफुल इसके कंपैरिजन, तो रिप्लेस कर लिया KCl ओके प्लस आई, ठीक है, आई को लिख दो यार, ठीक है, अंडरस्टूड? आई सपोज आप लोगों को समझ आ गई होगी ये, तो ये नॉन मेटल की रिएक्टिविटी याद करो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ डील किया, वन इंपॉर्टेंट थिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जान लो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो भी होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक एब्जॉर्ब करती है इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, वैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी होगा हीट बाहर निकलती है, ठीक है ना। जैसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आप आयरन का रॉड रख देते हो तो कंटेनर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा आप बॉयल करो, ओके। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का काफी यूज होता है मेटलर्जिकल फील्ड में भी, तो उसे फिलहाल हम लोग अभी डील नहीं करना है, स्टैंडर्ड 10th में आप लोग पढ़ोगे उसके बारे में। तो आई सपोज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशियंट है आप लोगों के लिए, ओके। तो हम लोग मूव करेंगे फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is double decomposition reaction, okay, hum log dekhne wale hain double decomposition
The next reaction hum log dekhenge, that is decomposition reaction. Sorry, decomposition to dekh chuke, double displacement bolo ya double decomposition bolo, both is right. It's double displacement ya double decomposition bhi bolte hain. Double displacement reaction. Okay, dekhiyega dhyan se. A reaction in which two ionic compounds in their aqueous state, so reacts by exchanging their radical, radicals. Okay. So double displacement reaction एक ऐसी reaction है जिसमें दो ionic compound लोगे आप जो अपने aqueous state में रहेगा. For example, AB aqueous state में है, एक ionic compound है, plus CD एक ionic compound है जो अपने aqueous state में, ठीक है ना. रिएक्शन होगी तो दोनों एक दूसरे अपना रेडिकल एक्सचेंज कर लेगा. ए बी के साथ कंबाइन कर गया, ओके, और बी सी के साथ कंबाइन कर जाएगा, ओके, तो रेडिकल्स एक्सचेंज हो गए. इसका पार्टनर को ये ले लिया, इसका ये क्या किया, इसका पार्टनर को ले लिया, ठीक है. तो रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो आयनिक कंपाउंड in their aqueous state, ठीक है, react करती है by exchanging their radicals, मतलब अपने ions को exchange कर, got it? Very simple is this one. तो इसको we will see with a very simple activity हम लोग देखेंगे इस time. We will see one activity. Okay. इस एक्टिविटी का एम है टू डेमोन्स्ट्रेट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, हमारी एम है कि हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हम लोग जो मटेरियल्स ले रहे हैं, हम लोग लेंगे बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, हम लोग लेंगे सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना. एक टू बीकर्स मतलब दो टेस्ट ट्यूब ले रहे हो, दोनों टेस्ट ट्यूब में रहेगी, बस और कुछ जरूरत नहीं है आपको, ठीक है. प्रोसीडियर व्हाट यू हैव टू डू, मिक्स बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, मिक्स बेरियम क्लोराइड एक्वस एंड sodium sulfate aqueous and sodium sulfate aqueous. Okay, आपको दोनों को mix कर देना है, ठीक है. और then we will move on to the observation part. हमारी observation में हम क्या देखते हैं, okay, कोई बता सकता है, ऐसे experiment हम लोग किए हुए हैं junior classes में भी, anybody? Yes sir, BA. BA.
आई डोंट नो मतलब मैं ऑब्जर्वेशन पूछ रहा हूं बेटा, मैं रिएक्शन नहीं पूछ रहा। इसमें ए सब्सटेंस है, इसमें बी सब्सटेंस है, दोनों को मैं मिक्स कर दिया तो क्या होगा? ऑब्जर्वेशन मैं पूछ रहा हूं, ऑब्जर्वेशन होगा कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनती है, अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। ठीक है ना, आपको एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगी बेरियम सल्फेट, अंडरस्टूड? और यदि आप रिएक्शन लिख ही लेना चाहते हो, ऑब्जर्वेशन पोर्शन में लिख सकते हो, यदि चाहो तो बेरियम क्लोराइड को यदि आप सोडियम सल्फेट के साथ कंबाइन करते हो, ओके, तो रिएक्शन विल ऑफ बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को जब आप कंबाइन करते हो, ये रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड लोगे तब भी होगी, तो बनेगा बेरियम सल्फेट, ओके, प्लस NaCl, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, ये जो बेरियम सल्फेट है यही व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट होती है, अंडरस्टूड? बेरियम सल्फेट इज व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट, अंडरस्टूड? तो हुआ क्या रिएक्शन में, ये वाला क्या किया, इसके पार्टनर को ले लिया, ठीक है ना, सोडियम ने क्या किया, इसके पार्टनर को ले लिया, बैलेंसिंग पार्ट आप दे सकते हो, यहां पर डाल दो बेरियम की बेरियम में क्लोरीन को क्लोरीन के पास, अंडरस्टूड? तो कंक्लूजन पार्ट आप लिख सकते हो, यू कैन राइट अ कंक्लूजन, exchange of radicals takes place and new compounds are formed, okay, and this is an example of displacement reaction, double displacement reaction, okay, I suppose idea is clear with this topic, samajh aayi, kuch note karna, note kar lo, then we will move forward, okay. It's okay, beta? Yes, sir. Okay, do you want that I should write bigger or it's okay? आपको visible है कि नहीं है? Sir, visible है. Visible है ना, सब कुछ दिख रही है ना? चलिए next. सर एग्जांपल्स जो हमें देखने हैं इंपॉर्टेंट है, लाइक एग्जांपल्स आप फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि मैं लेता हूं सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना, और मैं लेता हूं सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस है, ओके, और ये भी कलरलेस है, दोनों की एक्वस सॉल्यूशन को मैंने लिया है, बोथ एक्वस सॉल्यूशन आई हैव टेकन, रिएक्शन क्या होगा मुझे कोई बताएगा? Na2+NaNO3, तो एनी ऑब्जर्वेशन, कुछ ऑब्जर्वेशन आपको नजर आएगा रिएक्शन में? सर प्रेसिपिटेट होगा, यस, Ag जब Cl के साथ कंबाइन करती है तो Ag इज दैट इनसॉल्युबल सॉल्ट, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, तो हम मान लेते हैं कि ये इनसॉल्युबल है, AgCl एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनेगी डायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, और ये व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट होगी, ठीक है ना, दिस विल बी व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट प्लस NaNO3 प्लस NaNO3, ओके, अंडरस्टूड? और एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, सपोज करो मैं लेता हूं कॉपर सल्फेट, आई एम टेकिंग कॉपर सल्फेट एक्वस, ओके, कॉपर सल्फेट एक्वस ले रहा हूं, और मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले रहा हूं एक्वस, रिएक्शन क्या होगा बता सकता है कोई, क्या रिएक्शन होगा? BaSO4 plus 2NaCl, यू CU CuSO4
अरे दो फोर क्या है, दो फोर तो पहले से प्रेजेंट है यार, सी यू इसके साथ कंबाइन करेगा, ओके एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स होती है ना, सी यू ओ एच होल ट्वाइस है ना, होल ट्वाइस क्यों होल ट्वाइस, क्योंकि देखो यहाँ पर वैलेंस की टू है कॉपर की है ना, इट्स क्यूप्रिक सल्फेट, तो बनेगा सी यू ओ एच होल ट्वाइस ठीक है, सी यू ओ एच होल ट्वाइस और एन एच फोर होल ट्वाइस एसओ फोर ठीक है ना, प्लस एन एच फोर होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट ठीक है ना। अब आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पे, ये जो होती है ब्लूइश प्रेसिपिटेट, दिस इज ऑल्सो प्रेसिपिटेट, दिस इज ब्लूइश प्रेसिपिटेट, ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, अंडरस्टूड। और फर्दर आप रिएक्शन नहीं करोगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लो एक्वस और NH4 OH के साथ रिएक्ट करवाओ, आप लोग मुझे क्या बता सकते हो कि प्रोडक्ट क्या बनेगा और उसकी कलर क्या होगी, कलर भी बताना है आपको, ये दोनों एक्वस है, कलर बताइएगा, प्लीज टेल मी द कलर, द कलर प्रोडक्ट बताओ, चलो प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनती है, ब्राउनिश नहीं, प्रोडक्ट बनेगी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या बना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम क्लोराइड बनेगी प्लस अमोनियम क्लोराइड ठीक है ना, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होती है दैट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये होती है व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये ध्यान देना है आपको, दिस इज व्हाइट प्रेसिपिटेट, ओके सो दिस वन इज द रिएक्शन, अंडरस्टूड। तो ये ध्यान देना, एक और देख लो आपको, जहां पे मैं ले रहा हूँ CuSO4 तेरा CuSO4 और उसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, H2S गैस के साथ मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ, तो आप ये भी रिएक्शन होगी, कोई मुझे बता सकता है क्या होगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट होगा, Cu और S ठीक है ना, Cu S इट्स क्यूप्रिक सल्फाइड, Cu S बनेगी प्लस H2SO4 बनेगा, ओके ये जो होती है बेटा दिस वन इज द ब्लैक प्रेसिपिटेट, ये आपको ध्यान देना है ब्लैक प्रेसिपिटेट, ओके ये आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अंडरस्टूड। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आपको जो ध्यान देना है, देखो इसमें प्रेसिपिटेट बन गई, इसमें प्रेसिपिटेट 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 बन रहा है, ओके ये भी एक ब्लैक कलर की प्रेसिपिटेट होती है क्यूप्रिक सल्फाइड, ओके अंडरस्टूड, एनीथिंग यू वांट टू नोट नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके आगे बढ़े, कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट है, कुछ नहीं हो रहा, बस रेडिकल एक्सचेंज हो रही है CU इसके साथ और ये इसके साथ, ओके आई सपोज आई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ये कुछ कहानी हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट के कैटेगरी में एक और रिएक्शन आता है दैट वी नो एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये डबल डिकम्पोजिशन की ही कैटेगरी में आती है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है ये ध्यान देना है आपको, रिएक्शन इन विच A reaction in which acid reacts with base
to form salt and water. एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड रिएक्ट करती है बेस के साथ और बनती है सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है ना, जैसे इधर देखो कॉपर ऑक्साइड इज अ बेस. ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, फॉर एग्जांपल HCl के साथ मानो ये रिएक्शन होता है. तो कॉपर ऑक्साइड यदि HCl के साथ रिएक्ट करता है तो CU ये वाला पोर्शन को ले लेगा, तो बनेगा CuCl2. दो मॉलिक्यूल ले लेता हूं मैं इसका. ओके, और H2O तो रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो गई. ओके, बहुत सिंपल है. दिस इज बेस, दिस इज एसिड. एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है. और ले सकते हो एग्जांपल NaOH भी एक बेस होती है. यदि आप इसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दो तो आपको मिलेगी क्या, Na इसके साथ. ठीक है ना, Na इसके साथ Na यहां से जुड़ गया, बना Na2SO4. ठीक है ना, और क्या H2O. यदि आपको रिएक्शन बैलेंस करना तो ऑब्वियसली मालूम है यहां पे 2 आपको बैठाना ही पड़ेगा. तो 2Na ऑक्सीजन लेके 2 और 4 6. ठीक है ना, 4 है तो यहां पे भी 2 पड़. ठीक है ना, 4 और 2 6 हाइड्रोजन कितने है, 2 और 2 4, इसको बैलेंस हो गई. ओके, समझ आ गई. देखो सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 2 और 4 6, 4 और 2 6, हाइड्रोजन 2 और 2 4 और सल्फर भी बैलेंस है. ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए ज्यादा अभी आपको डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहां पे वी विल सी इन डेप्थ अबाउट दी सॉल्ट. ठीक है ना, हम लोग इन डेप्थ में पढ़ेंगे इसके बारे में सर. ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओनली, या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हम लोग बोलते हैं. कोई दिक्कत सर? बोलिए बेटा. सर लिमिटेशंस ऑफ रिएक्शन बताइएगा. लिमिटेशन ऑफ रिएक्शन नहीं पढ़ते हम लोग, लिमिटेशन ऑफ बैलेंस्ड, मतलब जो एक रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं होती है उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है ना, वी विल सी दैट. वी विल स्कूल से एक क्वेश्चन आया था लिमिटेशंस ऑफ अ रिएक्शन, तो सर हम भी थोड़ा कंफ्यूज हैं. बेटा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, वी विल सी दैट लिमिटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. हम लोग को देखना है एक बैलेंस रिएक्शन होती है और एक अनबैलेंस रिएक्शन होती है. वी विल सी दोज लिमिटेशन. ओके, और जहां तक की बात है इसकी थोड़ी सी डिस्कशन चैप्टर 1 के लेक्चर्स में भी हुई है. ओके, बट इस चैप्टर में भी वो आई. वी विल सी, पहले हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन सारा देख लेते. ओके, सो अभी हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन डील कर रहे हैं, तो पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन डील कर लेते हैं. वी विल देन सी व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ओके, विल सी दोस. आई सपोज आपको यहां तक आइडिया क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट जो हमें टॉपिक देखना है इट्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. ओके, भले आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेगा बट टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, टाइप में आती है, जो हमें देखना है. ओके, नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. ओके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. देखो बड़ा ध्यान से समझिएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है. ओके, सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन का मतलब सुनो. देखो बेटा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, वेरी अभी मैं बहुत सिंपल में समझाऊंगा क्योंकि इन डेप्थ हम लोग को ये टॉपिक पढ़ना है बाद में भी. ओके, ऑक्सीडेशन होती है गेन ऑफ ऑक्सीजन. यदि कोई भी चीज में ऑक्सीजन अटैच हो जाता है तो हम बोलते हैं कि वो चीज ऑक्सीडाइज, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन.
यदि कोई भी चीज हाइड्रोजन निकल जाए तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। सर इसको हम लोग रिडॉक्स बोलते हैं ना सर? बेटा पढ़ेंगे ना, रुको काय पढ़ा रहे हो इतना, आएगी ना। ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग यही तीन चीज देखो, क्योंकि और बहुत सारी चीज आते हैं, बट आपको ये दिमाग में रखना है यदि कोई भी चीज में ऑक्सीजन का गेन होता है तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन होगी, हाइड्रोजन का लॉस होता है तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन होगी, या इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसमें तभी हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। ये आपको दिमाग में बैठा फिलहाल। ओके, रिडक्शन होता है इसका ठीक उल्टा होता है। ओके, यदि हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में क्या होगा, इधर गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो इधर हो जाएगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये वाला लॉस ऑफ हाइड्रोजन है तो गेन ऑफ हाइड्रोजन, और दिस वन विल बी गेन ऑफ, ठीक है। देखिए ये सारे कहानी जब होंगे तो हम बोलेंगे कोई भी चीज है जिसमें ऑक्सीजन मान निकलेगा, कोई भी चीज है उसमें हाइड्रोजन आ गया या इलेक्ट्रॉन आ गया तो हम बोलेंगे वो चीज रिड्यूस। ओके, अब यहां देना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, यहां पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे फिर आगे प्रोसीड करेंगे। सपोज करो मैं करता हूं एक काम, मैं लेता हूं एक ग्लास ट्यूब, ठीक है, इसके थ्रू एयर की एंट्री कर पाता हूं, एयर इधर से एंटर कर सकता है, ठीक है, और यहां पे मैं कुछ कॉपर के पाउडर रखता हूं, क्या रखता हूं, कॉपर का, ठीक है, और नीचे से मैं हीट भी कर रहा हूं। अब यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, देखो कॉपर जो है, ओके, कॉपर जो है एयर जो उधर से आ रहा है ऑक्सीजन, और जब हम हीट कर रहे हैं, ओके, तो कॉपर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके बनती है CuO, दिस इज ब्लैक, कॉपर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके बनेगी कॉपर ऑक्साइड, दैट इज ब्लैक कलर। ओके, ध्यान रहेगा सबको, अंडरस्टूड। तो बेसिकली कॉपर के साथ क्या हुआ, कॉपर जब यहां गया है तो आप यदि गौर करोगे तो कॉपर ने ऑक्सीजन गेन किया है, कॉपर हैज गेन्ड ऑक्सीजन, कॉपर हैज गेन्ड ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। तो जब ऑक्सीजन की गेन होती है तो वी कॉल इट एज अब और आप गौर से गौर करोगे यहाँ पे तो कॉपर यहाँ पे न्यूट्रल स्टेट में है, और यहाँ पे यदि मैं चार्जेस देखूं तो ये है 2+ और 2-, ध्यान दोगे ना। जब बनती है तो कॉपर कैसे बनती है, कॉपर की वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, पता करके कॉपर ऑक्साइड बनता है, तो यहाँ पे Cu2+। तो यदि उस लैंग्वेज में भी देखोगे यहाँ पे तो कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ रही है, और पॉजिटिव चार्ज कैसे आती है, इलेक्ट्रॉन लॉस से कि इलेक्ट्रॉन गेन से, इलेक्ट्रॉन लॉस से। तो यहाँ पे कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इलेक्ट्रॉन की लॉस भी ऑक्सीडेशन भी है। ओके, आई सपोज पर हाइड्रोजन तो यहाँ पे है नहीं, तो हाइड्रोजन की तरह हम लोग समझेंगे भी नहीं, हम इसको दो तरीके से समझ सकते हैं कि कॉपर हैज गेन्ड ऑक्सीजन एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। तो दोनों ऑक्सीजन का गेन, इलेक्ट्रॉन का लॉस, दोनों का मतलब ऑक्सीडेशन ही होता है, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अब क्या करता हूं मैं, ये रिएक्शन मैंने करवा लिया, नेक्स्ट तो अब तो यहां पे कॉपर ऑक्साइड बन चुकी है। ओके, दिस इज स्टेप 1,
यहाँ पे अब क्या बन चुका है, कॉपर ऑक्साइड। ओके, सेकंड केस का मैं बात कर रहा हूँ, केस टू, केस टू में कॉपर ऑक्साइड बन चुकी है। ओके, दिस इज केस टू, कॉपर ऑक्साइड बन चुका है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से हाइड्रोजन गैस पास करवाऊंगा। दिस इज सेकंड केस, दिस वाज वन वाज द फर्स्ट केस। ओके, फर्स्ट केस में एयर के कॉपर ऑक्साइड के ऊपर, सॉरी कॉपर के ऊपर पास किया गया था। सेकंड केस में मैं हाइड्रोजन को पास करवा रहा हूँ कॉपर ऑक्साइड के ऊपर, ठीक है ना, हाइड्रोजन को पास करवा रहा हूँ कॉपर ऑक्साइड के ऊपर। अब देखो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड के ऊपर मैं हाइड्रोजन पास करवा रहा हूँ। ओके, तो आपको देखो ऑब्जर्वेशन भी दिमाग में रखनी है, ये वाली जो कॉपर थी पहले ब्राउन कलर थी, ये वाली कॉपर वाज ब्राउन कलर, ब्राउन कलर बन गई ब्लैक कलर। अब ब्लैक कलर के ऊपर से मैं हाइड्रोजन पास करवा रहा हूँ, तो कॉपर क्या कर रहा है, Cu बन जा रहा है। कॉपर क्या बन जा रहा है, Cu प्लस H2O बन रही है, ठीक है ना, Cu प्लस H2O बन रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कॉपर ऑक्सीजन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, कॉपर ऑक्सीजन लूज कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। और यदि आप इस भाषा में देखोगे 2 प्लस 2 माइनस, तो इस पे 2 प्लस चार्ज थी, अब ये न्यूट्रल हो गया। कोई पॉजिटिव चीज न्यूट्रल होता है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है कि लूज करता है, सिर्फ गेन, गेन करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन की गेन भी हो रही है, ओके, ऑक्सीजन की लॉस भी हो रही है, तो हम इस तरह भी समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का गेन और ऑक्सीजन का लॉस, इट्स रिडक्शन। तो इसके साथ क्या हो रही है, रिडक्शन। बहुत सिंपल भाषा में आप लोगों को समझ आ गया, तो दिस इज रिडक्शन, इसके साथ क्या हुई, रिडक्शन हुई। तो आप बोल सकते हो एक चीज कि कॉपर जब ऑक्सीजन गेन करता है तो इट इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर ऑक्साइड, एंड कॉपर ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया, है कि नहीं, वही हुई है, हाइड्रोजन लगाया इसको रिड्यूस कर दिया। पर हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, यदि आप देखोगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर रहा है, आपको साफ समझ आ रही है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो देख रहे हो कि इसके साथ रिडक्शन हो रही है, तो इसके साथ ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है ना। तो हमेशा होता है क्या है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो होती है वो साथ में होती है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन occurs simultaneously in a chemical reaction. और जब एक chemical reaction में reduction और oxidation साथ में होता है, उस type of reaction को हम लोग redox reaction, ठीक है ना बेटा। कोई बच्चा starting ही में बोल रहा था, तो बेटा पूरा concept समझ लो, ठीक है। तो ये एक important चीज आपको जाननी है, okay? Very important thing. Oxidation and reduction and reduction occurs simultaneously in a chemical reaction. Okay, these reactions are known as, these reactions are known as redox reaction. Oxidation or reduction साथ में होती है, oxidation और reduction साथ में होता है, simultaneously मतलब एक साथ, oxidation और reduction एक साथ में होती है chemical reaction में, okay? और ऐसे reaction जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है, दे आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। हम लोग उसे क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, ये आपको दिमाग में रखना है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। ऑक्सीडेशन को भी बहुत सिंपल में हम लोग समझ रहे हैं, पर इसकी कॉन्सेप्ट बहुत आगे काम आएगी आपको। ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये तो बिल्कुल याद रखना है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सीनियर क्लासेस में काम आएगी।
रिडक्शन लॉस ऑफ ऑक्सीजन गेन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ये एक सिंपल सा एक्टिविटी करके मैंने दिखाया, तो पहले मैंने कॉपर को ऑक्सीडाइज किया, कॉपर को पहले ऑक्सीडाइज किया, फिर कॉपर को मैंने, फिर जो प्रोडक्ट कॉपर ऑक्साइड बनी उसको मैं रिड्यूस भी कर सकता हूँ। कैसे रिड्यूस कर रहा हूँ? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। ओके, आई सपोज आपको आइडिया क्लियर हो गई होगी। कुछ भी पूछना है आप यहाँ से पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे, एनी डाउट यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। चलिए, ओके, वन कॉन्सेप्ट आप हम लोगों को यहाँ पे देखना है, इट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, दो चीज देखना है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? सर बोलो बेटा, बोलो क्या? सर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं, रुको रुक जाओ आराम से। द सब्सटेंस विच इज इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड एंड reduces, sorry, the substance which is itself reduced and oxidizes other. Okay, एक चीज जो खुद reduce होता है, okay, एक simple reaction देखो, देखो अभी मैंने बताया कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है ना, क्या बनी थी? ये बना था रिएक्शन। अब देखो हाइड्रोजन जो है, ठीक है ना, हाइड्रोजन जो है यहां पे क्या हो रहा है इसके साथ, ये मुझे बताओ, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है? सिर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हो रही है? रिडक्शन, रिडक्शन, ओके। दोनों कॉन्सेप्ट मैं साथ में समझाता हूँ आपको, रिड्यूसिंग एजेंट की देखते हैं। द सब्सटेंस विच इज itself oxidized and reduces other. देखो आप इस कॉन्सेप्ट को समझने में काम आएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उन चीजों को बोला जाता है जो खुद रेड्यूस होगी, जो खुद रिड्यूस होगी। देखो कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है तो ये एजेंट होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। कॉपर ऑक्साइड कैसा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये ध्यान देना। जो खुद रिड्यूस होगा वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। देखो ध्यान से, ये खुद रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। रिड्यूस हो रहा है तो अपना ऑक्सीजन किसी और को दे रहा है, इसको दे रहा है, तो इसको क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर।
a substance which is itself reduced, खुद reduce होगा और दूसरों को oxidize करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे oxidizing agent. वैसे ही reducing agent किसको बोलेंगे? The substance which is itself oxidized. Hydrogen यहाँ पे क्या हो रहा है? Oxidize हो रहा है. Hydrogen यहाँ पे oxidize हो रहा है. Oxidize हो रहा है तो मतलब क्या? Oxygen किसी से gain कर रहा है. जब खुद oxidize हो रहा है तो दूसरों से oxygen तो निकाल रहा है ना. जब दूसरों से oxygen निकाल रहा है तो दूसरों को क्या कर रहा है? Reduce कर रहा है. तो जब दूसरे को रिड्यूस कर रहा है तो इट्स नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, ये दिमाग में रखना है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का चीज है ही नहीं. ओके, सिंपल है. क्वेश्चंस ऐसे जब पूछे जाएंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना है पहले कि वो ऑक्सीडाइज हुई है कि रिड्यूस, देख के ही पता चल जाएगा आपको. ऑक्सीजन निकला तो रिड्यूस हुआ, और जब रिड्यूस हुआ तो उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसको देखना है कि क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडाइज हुई, जब ऑक्सीडाइज हुई तो उल्टा एजेंट कैसा, रिड्यूसिंग एजेंट है. बस इतना दिमाग में बैठा के रखना है. आई सपोज आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. ओके, कोई दिक्कत, कोई डाउट पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ूंगा. चलिए, प्रोडक्ट क्या होगा बता सकते हो क्या? ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा पहले ये बताओ. देखो, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, आयरन, है ना? पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, आयरन. अल्मोनियम ऊपर है कि आयरन ऊपर है? एल्यूमिनियम होगा सर. तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा. यस सर होगा. रिएक्शन होगा तो रिएक्शन बनेगी Al2O3 plus Fe. एक्चुअली ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि जो आयरन इसमें बनता है वो लिक्विड स्टेट में बनता है. हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इतना हीट निकलता है कि ये आयरन को मेल्ट कर देता है. ठीक है ना? Fe लिक्विड स्टेट में निकलती है. चलो, वो मतलब नहीं है हम लोगों को यहाँ पे. यहाँ पे जो कहानी है पूछना आपसे कि इसमें ऑक्सीडाइज कौन हुई है, रिड्यूस कौन हुई है, ये मुझे बताओ. इक्वेशन बैलेंस करना है तो इक्वेशन बैलेंस कर लो सर. रिड्यूस Fe, इक्वेशन आई सपोज बैलेंस हो जाएगी. Fe2 है तो Fe2 है, ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन 3 है, दो एल्युमिनियम है तो दो एल्युमिनियम. बताओ Fe2O3 क्या कर रहा है? इसका ऑक्सीजन Fe2O3 का ऑक्सीजन निकल रहा है. जब ऑक्सीजन निकल जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन, है ना? तो ध्यान से देखना है, आपसे कोई क्वेश्चन में पूछ देगा इसकी रिडक्शन हुई है कि इसकी रिडक्शन हुई है, Fe2O3 की रिडक्शन हुई है कि Fe की रिडक्शन हुई है? Fe2O3. यस, Fe2O3 की रिडक्शन हुई है. जब Fe2O3 की रिडक्शन हुई है तो वो एजेंट कैसा होगा? रिडक्शन एजेंट, एजेंट ऑक्सीडाइजेशन, एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्योंकि जब अपना ऑक्सीजन निकालेगा तो दूसरा को ऑक्सीजन देगा, तो दूसरा को ऑक्सीजन देगा तो दूसरा को ऑक्सीडाइज करेगा. सिंपल सी बात. अल्मोनियम, अल्मोनियम ऑक्सीजन गेन करता है तो अल्मोनियम के साथ हो रही है ऑक्सीडेशन. अल्मोनियम के साथ हो रही है ऑक्सीडेशन. तो अल्मोनियम के साथ जब ऑक्सीडेशन हो रही है तो कैसा एजेंट है ये? रिड्यूसिंग एजेंट. दूसरों को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है. रिड्यूस कर रहा है ना, देखो इससे ऑक्सीजन निकाल दे रहा है. जब ऑक्सीजन किसी और से निकाल दे रहा है अल्मोनियम, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है. वेरी सिंपल. आई सपोज आप लोगों को ये समझ आया होगा. नहीं समझ आया तो बोलो, फिर से समझा दूंगा. अब थोड़ा एक दिमाग लगाओ, एक होमवर्क दे रहा हूँ. Mg+O2 gives 2MgO. Okay.
अब आपके सामने एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऑक्सीजन यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुई है, रिड्यूस हुई है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हुई है, रिड्यूस हुई है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, पहचानो, बता सकते हो? सर मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड। देखो इसको आप लोग समझने के लिए दिमाग क्या लगाएंगे, एक्चुअली यू विल सी द चार्जेस Mg2+O2-, तभी ना बनी है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव थी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 नेगेटिव थी, तब ना जाके MgO बना। तो देखो ये जो मैग्नीशियम है, यहां पे देखना, ये जो मैग्नीशियम है यहाँ पे न्यूट्रल है, ये मैग्नीशियम यहाँ पे न्यूट्रल है और इसपे आ गई है पॉजिटिव चार्ज, इसपे आ गई है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आती है, इलेक्ट्रॉन लॉस से कि इलेक्ट्रॉन गेन से? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की लॉस हुई है, इलेक्ट्रॉन की लॉस हुई है तो मैग्नीशियम के साथ हुई है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हुई है इसके साथ तो ये एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट। देखो यहाँ पे देखो O2 न्यूट्रल है, ठीक है ना। अब O देखो 2O2- चार्ज आ गई, इसमें चार्ज आ गई, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन होता है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो वी कॉल इट एज रिडक्शन, और रिडक्शन इसके साथ हुआ है तो एजेंट कैसा होगा, ये ऑक्सीडेशन होगा। ओके ध्यान देखना है, तो सिंपल सी देखो, इसके साथ आप एग्जाम में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपने एक को पकड़ लिया है ऑक्सीडेशन, यदि एक को पकड़ लिया ऑक्सीडेशन हुआ तो दूसरा के साथ रिडक्शन होगा, ओके, और दूसरा के साथ रिडक्शन होगा तो एजेंट कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन करवाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ओके आई सपोज आइडिया आपको क्लियर होगी। ओके कोई भी डाउट कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो बेटा, ओके एनीथिंग यू कैन आस्क, पूछिए, कोई डाउट है किसी को? No. तो फिलहाल इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे रुकते हैं, ओके तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इस चैप्टर का लास्ट ही टॉपिक है लगभग, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने देख लिया है। लास्ट क्लास में माइट बी वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर, और फिर हम लोग जो भी एक थोड़ी सी और इस चैप्टर में बची हुई है कि हाँ एक केमिकल रिएक्शन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, एक केमिकल एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, क्या बोल रहे हो बेटा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, हाँ वो डिस्कस्ड है बेटा, वो डिस्कस कर लिया है, ओके एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर डिस्कस्ड, वो पहले ही चैप्टर में मैंने बताया था आपको, ओके सो इन द नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली कुछ क्वेश्चंस करने के बाद वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, और माइट बी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स और डिस्कस करें, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करें इस चैप्टर के बाद, ओके चलिए मीट करते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।